नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, वेलकम टू द इंडियाज बिगेस्ट ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन लर्निंग प्लैटफॉर्म दैट इज फिजिक्स वाला। आणि मी आहे तुमचा फिजिक्स टीचर अनिकेत सर। आणि आज मी तुमच्यासाठी खास एक शॉर्ट ट्रिक घेऊन आलो टू सॉल्व द अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन्स ब्रिज। आपल्याला माहिती आहे जर ब्रिज बैलेंस्ड असेल, ओके, अगर कोई ब्रिज बैलेंस होता है इसका मतलब ये है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दो पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है। अब दूसरी चीज, ब्रिज बैलेंस है मतलब हमने एक तरीका किया था क्लॉकवाइज का रेशियो और एंटी क्लॉकवाइज का रेशियो लेके देखना, अगर दोनों रेशियो सेम होते हैं तो ब्रिज बैलेंस होता है। अगर ब्रिज बैलेंस हो तो बेटा पॉइंट सी और पॉइंट डी का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, मतलब हम यहां से इस रजिस्टर को निकाल सकते हैं क्योंकि इस पार्ट में कोई करंट फ्लो होने वाला है नहीं। तो बेटा ये सिंपल सर्किट बन जाता है जहां पे 5 ओहम और 10 ओहम मेरा सीरीज में चला जाएगा, उसके बाद 6 ओहम और 2 ओहम भी सीरीज में चला जाएगा और इनका कॉम्बिनेशन मेरा पैरेलल में आ जाएगा और हम वहां पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मेरा ब्रिज अनबैलेंस हो तो यही क्वेश्चन रेजिस्टर के साथ भी आ सकता है, कैपेसिटर के साथ भी आ सकता है। तो उस केस में इसको सॉल्व अगर हम किरचॉफ्स लॉ से करें तो बेटा यहां पे अपना टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम हो सकता है। अगर मुझे विद इन अ मिनट इसे सॉल्व करना है तो बेटा हम यहां पे यूज करेंगे स्टार डेल्टा मेथड। ये शॉर्ट ट्रिक होता है, जैसे आप हायर इंजीनियरिंग स्टडीज के लिए जाओगे स्पेसिफिकली फॉर द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तो स्टार डेल्टा कन्वर्जन आप लोगों को सिखाया जाएगा, फर्स्ट ईयर में भी सिखाया जाएगा, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ये बहुत बेसिक चीज है फॉर द इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स। लेकिन वही चीज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता रहा हूं जिसके वजह से आपका बहुत सारा टाइम बचने वाला है और आपको यहां पे जल्दी विद इन अ टाइम, विद इन लिमिटेड टाइम आप लोगों को इसका आंसर मिल जाएगा। तो ये स्टार डेल्टा मेथड मतलब क्या होता है तो आप लोग यहां पे देख सकते हो, स्टार मतलब ये मैंने कुछ इस तरह से ड्रॉ किया है। हम यहां पे कन्वर्ट करते हैं इस स्टार को डेल्टा में और इस डेल्टा को कन्वर्ट करते हैं बेटा स्टार में, तो इसे कहा जाता है स्टार डेल्टा मेथड। अब यहां पर देखना इस पर्टिकुलर केस में हम क्या करने वाले हैं, तो हम यहां पे कुछ इस डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करने वाले। तो आप लोग देख सकते हो ए सी डी यहां पे ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ये ट्रायंगल जो है यही ट्रायंगल मेरा डेल्टा है बेटा। इस ट्रायंगल को अब मुझे कन्वर्ट करना है स्टार में, इस ट्रायंगल को क्या करना है बेटा, अब मुझे कन्वर्ट करना है स्टार में। तो कन्वर्ट करने के लिए देखना यहां पर एक सेंटर पॉइंट ले लूंगा, ये जो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है उसका मैं सेंटर ले लूंगा, यहां पे एक रजिस्टर R1 आ जाएगा बेटा। तो मुझे यहां पे करना क्या है, 3 रजिस्टर ड्रॉ करने हैं और मैं उनको नाम देता हूं यहां पे, ये चलो R1, ये R2 और ये बन जाएगा बेटा R3, कुछ इस हिसाब से। अब मैंने ये कनेक्शन कर लिया, मुझे फाइंड आउट करनी है R1, R2 और R3 की वैल्यू। तो अब यहां पे समझना, ये जो R1 हमने कनेक्ट किया है वो किन 2 रजिस्टर के अक्रॉस हमने करेक्ट किया है, ओरिजिनल रजिस्टर के अक्रॉस। तो यहां पे देखना ये जो R1 का एक पॉइंट है, एक पॉइंट 5 ओम के साथ कनेक्टेड है, दूसरा पॉइंट 6 ओम के साथ कनेक्टेड है, ओके। ये जो पॉइंट आप लोग देख रहे हैं 5 ओम के साथ कनेक्टेड है और ये 6 ओम के साथ कनेक्टेड है। जो कनेक्टेड रजिस्टर्स है ना बेटा उनका मुझे यहां पर प्रोडक्ट लेना है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 5 × 6, मैं इसको लिख सकता हूं बेटा 5 × 6। उसके बाद मुझे करना क्या है, उसके बाद इस ट्रायंगल में जितना भी रजिस्टर है उससे बेटा मुझे इसको डिवाइड करना है, मतलब करना क्या है सबकी एडिशन कर दो, 5 + 5 + 6, तो ये मुझे मिल जाएगा 30/16। तो मैं इसको लिख सकता हूं 15/8, इसको लिख सकता हूं बेटा मैं 15/8। समझ लेना मैंने क्या किया, इस ट्रायंगल का सेंटर पॉइंट पकड़ लिया और मैंने यहां पे 3 रजिस्टर 3 पॉइंट को ज्वाइन कर दिए, मैंने उसको नाम दे दिया R1, R2, R3। अब नेक्स्ट स्टेप ये है मुझे इस R1, R2 और R3 की वैल्यू निकालनी है। तो यहां पे देखना R1 का एक पॉइंट तो सेंटर पे कनेक्टेड है, दूसरा R1 का जो दूसरा पॉइंट है वो किन 2 रजिस्टर के साथ कनेक्टेड है ये मुझे यहां पर ढूंढना है। तो यहां पर देखना आर वन कनेक्टेड है 5 ओम के साथ और 6 ओम के साथ, तो मैं इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं,
मैं इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करूंगा और इस मल्टीप्लीकेशन को मैं डिवाइड कर दूंगा टोटल रेजिस्टेंस के साथ। ये जो ट्राइंगल का टोटल रेजिस्टेंस आप लोगों को दिखाई दे रहा है, मैं उसके साथ इसको डिवाइड कर सकता हूं। तो ये आ जाएगा कुछ 15/18। सिमिलरली R2 पे मैं निकाल सकता हूं, R2 देखना 5 ओम के साथ और इस 5 ओम के साथ कनेक्टेड है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं 5 × 5। अगेन टोटल रेजिस्टेंस कितना है बेटा अपना 16, टोटल रेजिस्टेंस कितना है 16, तो मैं यहां पे इसे इसी हिसाब से रख देता हूं क्योंकि आगे कैलकुलेशन में ये इजी हो जाएगा। तो ये मुझे मिल जाएगा बेटा 25/16। सिमिलरली मैं R3 कैलकुलेट कर सकता हूं, R3 देखना 5 ओम और 6 ओम के साथ कनेक्टेड है, तो मैं यहां पे इन दोनों का प्रोडक्ट ले सकता हूं और टोटल रेजिस्टेंस से इसे डिवाइड कर सकता हूं। तो ये बन जाएगा बेटा 30/16। ये करने के बाद मुझे सर्किट को रीड्रॉ करना है, तो सर्किट को मैं कुछ इस हिसाब से रीड्रॉ कर सकता हूं। सर्किट को हम यहां पे कुछ इस हिसाब से रीड्रॉ कर सकते हैं। तो R1 कितना मिला बेटा, तो R1 मिला मुझे 30/16। R2 कितना मिला बेटा, तो R2 मिला मुझे 25/16 और R3 मुझे फिर से मिला 30/16। अब देखना सर्किट कितना इजी हो चुका है, 25/16 + 10 ये सीरीज में है, तो अब मैं इन दोनों की डायरेक्ट एडिशन कर सकता हूं, अब मैं इन दोनों की डायरेक्ट एडिशन कर सकता हूं, या फिर इस सर्किट को अगर हम फिर से रीड्रॉ कर ले तो ये सर्किट मेरा कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो ये आएगा बेटा मेरा 25/16, ये बनेगा बेटा मेरा 10, ये बनेगा बेटा मेरा 30/16 और ये बनेगा मेरा 2 और ये है अपना 30/16। तो आप लोग देख सकते हो ये सीरीज में है, इन दोनों के एडिशन कर देना, ये सीरीज में है, इन दोनों के एडिशन कर देना, इनका जो इक्विवेलेंट आ रहा है, इन दोनों का इक्विवेलेंट मुझे पैरेलल में दिखाई दे रहा है, तो मैं उसका भी कैलकुलेशन कर सकता हूं। लास्ट में देखा जाए तो ये और इसका इक्विवेलेंट सीरीज में आ जाएगा और मुझे यहां पे फाइनल आंसर मिल जाएगा। समझ में आ रहा है ये चीज? तो बेटा ये टेक्निक बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप लोगों को टाइम सेव करना है। वंस अगर आप लोगों ने ये वाला सर्किट ड्रॉ कर लिया तो जो भी क्वेश्चंस बनते हैं ना, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रजिस्टर, फाइंड द करंट थ्रू दिस रजिस्टर, तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के यहां पे सॉल्व हो जाएंगे। ओके बेटा, तो आज हम रुकते हैं, फिर मिलते हैं ऐसे ही कुछ धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए बेटा थैंक यू, धन्यवाद।